नमस्कार, मैं हुशवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ निरोधक कार्यों की गुणवत्ता की होगी जांच। निशु सिंह ने 20,500 फुट ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट नीरज को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। लिटिल मास्टर को मिला इंग्लैंड में खास सम्मान। बिहार के इस जिले में स्थित है एक अनूठा शिवालय। अब चलिए बढ़ते हैं 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ICSE ने जारी किया 12वीं का रिजल्ट। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिजल्ट काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट cisse.org पर देखा जा सकता है। बिहार में टॉप 3 स्थान पर आए 7 परीक्षार्थियों में 5 लड़कियां हैं। देश की बात करें तो 99.38% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा में 99.52% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, जो लड़कों के 99.26% से अधिक है। इससे पहले काउंसिल ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल एग्जाम यानी कक्षा 10वीं का परिणाम 17 जुलाई 2022 को घोषित किया था। बिहार के रिजल्ट की बात करें तो भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल से शिवांगी रानी और आस्तिक दास तथा भागलपुर के ही माउंट असीसी स्कूल की प्रियांशी घोष ने 99% अंकों के साथ राज्य में टॉप किया है। निशु सिंह ने 20,500 फुट ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यही वजह है कि आए दिन किसी न किसी क्षेत्र से प्रतिभावान बेटे बेटियां निकलकर अपने बिहार के साथ साथ देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बीच बिहार की एक और प्रतिभा निकलकर सामने आई है। बिहार के जमुई जिले के छोटे से गाँव के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले निशु सिंह ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक और कामयाबी अपने नाम की है। निशु ने लद्दाख के कांग यास्ते चोटी की 20,500 फुट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराकर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। 26 वर्षीय निशु सिंह जमुई जिले के बड़ाहट प्रखंड के टैंगहरा गांव के रहने वाले हैं। निशु सिंह पर्वतारोहण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बीते 3 साल से सफल पर्वतारोही के रूप में नाम कमा रही हैं। निशु सिंह पूर्व में 5,000 और 6,000 मीटर ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर चुकी हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरुणिता झा की। अरुणिता झा एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं। वह मधुबनी बिहार की रहने वाली हैं और उन्होंने दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी फैशन वीक में हिस्सा लिया है। उन्होंने अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 1 के साथ बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत की और इसके सीक्वल गैंग्स ऑफ वासेपुर भाग 2 में भी दिखाई दी। उन्होंने 2005 में फोर्ड सुपर मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया और 2006 में चैनल वी गेट गॉर्जियंस 2006 प्रतियोगिता जीती। आज है सावन की दूसरी सोमवारी। बीते दिन रविवार को डाक बम का भारी भीड़ उमड़ा, वहीं आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इसके लिए मेला प्रशासन पूरी तैयारी कर ली है। कांवड़ियों का सुल्तानगंज पहुंचना अनवरत जारी है। शनिवार को दशमी के पवित्र तिथि पर लगभग 1.5 लाख कांवड़ियां पैदल और वाहन से बाबा धाम को रवाना हुए। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि दूसरी सोमवारी पर लगभग 2.5 से 3 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं जल उठाने के लिए कांवड़ियों का महारैला असगैव नगरी में उमरा। कांवड़िया पथ पूरी तरह से शिवमय हो गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावन का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रोफेसर के 57 रिक्त पदों पर निकाली रिक्तियां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर के विभिन्न डिसिप्लिन में कुल मिलाकर 57 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को संबंधित डिसिप्लिन में पीजी डिग्री उत्तीर्ण होने के साथ ही 4 साल तक का कार्य अनुभव होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 8 अगस्त 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.amu.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट नीरज को मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो फाइनल में 88.13 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद उनके लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नीरज चोपड़ा के इस महान उपलब्धि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि अमेरिका के यूजीन में चल रहे
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना है, वे निरंतर प्रगति के शीर्ष पर पहुंचे और देश का नाम रोशन करें। बाज निरोधक कार्यों की गुणवत्ता की होगी जांच। राज्य सरकार बाज निरोधक कार्यों के तहत हुए काम की चर्चा तेज हो गई है। इसके लिए जल संसाधन विभाग के सीनियर इंजीनियरों की टीम बनाई गई है। ये उड़न दस्ता के रूप में काम करेगा। ऐसी 7 टीमें होंगी जिन्हें हर बाज प्रमंडल में अब तक हुए कार्यों की जाँच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके तहत हर मुख्य अभियंता क्षेत्र में 10-10% कटाव निरोधक कार्यों की रैंडम जाँच की जाएगी। इस साल सूबे में बाज के लिए संवेदनशील 334 स्थलों की पहचान कर वहां कटाव निरोधक कार्य किया गया है। विभाग ने अपने 7 प्रक्षेत्र में अलग अलग योजनाओं को चिन्हित किया था, जिसमें सर्वाधिक योजनाएं समस्तीपुर प्रक्षेत्र में ली गई हैं, जिनकी संख्या 80 है। बिहार के इस जिले में स्थित है एक अनूठा शिवालय। सावन का महीना चल रहा है, इस पूरे महीने में लोग भगवान शिव की भक्ति में भक्तिमय रहेंगे। इस दौरान शिव भक्त अपने आसपास स्थित छोटे बड़े शिवालय में शिव दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे शिवालय के बारे में जहाँ एक साथ ही 11 शिवलिंग मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिला स्थित राजनगर प्रखंड के मगरौनी गाँव स्थित एकादश रुद्र शिवालय की। यह शिवालय श्रद्धालुओं के असीम आस्था का केंद्र रहा है। एकादश रुद्र शिवलिंग की भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। देश दुनिया में प्रसिद्ध एकादश रुद्र शिवालय में महाश्रृंगार अनुष्ठान में बड़ी संख्या में भक्त हिस्सा लेते हैं। आपको ये भी बताते चले कि सावन माह की हर सोमवार पर पिपरा घाट स्थित संगम तट से हजारों कांवड़िया जले लेकर एकादश रुद्र शिवालय पहुंचते हैं। मिथिला की पेंटिंग से कार सजाकर खुशबू ने रचा इतिहास। बिहार की मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग किसी पहचान की मोहताज नहीं है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर कलाकार दुपट्टों पर, कागजों पर, कपड़ों और बोर्ड पर पेंटिंग करते नजर आते हैं, लेकिन बेनीपट्टी इलाके की कलाकार खुशबू चौधरी और उनकी टीम ने कार पर पेंटिंग बनाकर एक अनोखी मिसाल पेश की है, जिसके चारों ओर काफी चर्चा हो रही है। बेनीपट्टी के जिरौल गाँव के पेंटिंग कलाकार खुशबू चौधरी और उनकी टीम में शामिल कलाकारों ने कार पर पेंटिंग बनाकर इतिहास रच दिया है। खुशबू और उनकी टीम ने कार पर मधुबनी पेंटिंग करके कार का लुक ही बदल दिया, जो कि देखते देखते लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। यहां तक कि इस पेंटिंग को देखने के लिए दूर दूर से कलाकार और लोग पहुंच रहे हैं। बिजली चोरी के मामले में ये जिला है टॉप पर। बिहार की बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने को लेकर कई तरह के प्रयास कर रही है। पहले स्मार्ट मीटर, फिर स्मार्ट प्रीपेड मीटर और इसके बाद इस तरह का केबल की उसमें टोका फंसाना मुश्किल। इसके बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। दरअसल बिजली कंपनी की पहली तिमाही का जो आंकड़ा है, उसमें शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, सभी जगहों पर बिजली चोरी के खूब मामले सामने आ रहे हैं। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक 1,465 बिजली चोरी के मामले पटना जिले में दर्ज हुए हैं। बिजली कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार गया और नालंदा शीर्ष के उन जिलों में शुमार है जहां बिजली चोरी के 1,000 से अधिक मामले इस वर्ष की पहली तिमाही में दर्ज हुए हैं। यहाँ बनेगी नेकी की दीवार। राजधानी पटना के गांवों में जल्द ही नेकी की दीवार देखने को मिलेगी। पटना की कुल 309 पंचायतों में नेकी की दीवार बनाने का काम अगस्त से शुरू होगा। इस दीवार के पास लोग अपने घर के अनुपयोगी सामान को रख सकते हैं, जो जरूरतमंद लोगों के लिए काम आएगा। प्रत्येक दीवार को मधुबनी पेंटिंग से आकर्षक बनाया जाएगा। 6 अगस्त को होने वाली जिला परिषद की बैठक में इस प्लान पर मुहर लगेगी। नेकी की दीवार को 4 फीट लंबा तथा 6 फीट चौड़ा बनाया जाना है। जिस पंचायत में नेकी का दीवार होगा, वहाँ जिला पार्षद छह लोगों की टीम बनाकर उसे संचालित कराएगा। यहाँ लोग कपड़ा, बर्तन, किताब, कॉपी, खाने पीने की सामग्री, टेबल कुर्सी आदि रखा जा सकता है, जो उनके घर में उपयोग में नहीं आ रहा है। एम्स पटना ने 2021 में जारी विज्ञापन के तहत होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया की रद्द। एम्स पटना ने प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए अक्टूबर 2021 में जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। अब इसके लिए नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्ष 2021 के सितंबर अक्टूबर में निवर्तमान निदेशक पी के सिंह की ओर से विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद प्रभारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्षण ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, लेकिन अब नवनियुक्त निदेशक ने इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया है और कार्यालय को नए सिरे से नियुक्त का निर्देश दिया है। एम्स निदेशक प्रोफेसर कृष्ण गोपाल पाल ने बताया कि 9 महीना पहले विज्ञापन जारी किए गए थे, तब के आवेदन करने वाले दूसरे एम्स और अन्य संस्थानों में नियुक्त हो चुके हैं। इसको देखते हुए अब नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। जल्द ही फ्रेश वैकेंसी जारी होगी।
बिहार के इन जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार की राजधानी पटना समेत कई और जिलों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में तेज बारिश के साथ वज्रपात होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर एक अपडेट जारी किया है। शनिवार और रविवार को राज्य में बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में सामान्य या हल्की बारिश होती रहेगी और 28 जुलाई से राज्य में भारी बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के 3 जिलों के पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14,000 से अधिक पदों पर स्वास्थ्य विभाग करेगा बहाली। बिहार के अस्पतालों में मानव बल की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग अगले 3 माह में 13,800 से अधिक पदों पर नियुक्ति करेगा। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि जुलाई के अंत तक 8,853 ANM की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कुछ समय पूर्व ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर 288 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी और 854 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में की गई। अब इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने नर्स, ANM, हॉस्पिटल मैनेजर समेत 13,813 पदों पर नियुक्ति करेगा। सीनियर ट्रिब्यूलाइजर मैनेजर के 193 और हॉस्पिटल मैनेजर के 94 पद सर्वाधिक 8,853 नियुक्ति ANM पद पर होनी है। विभाग का दावा है कि ANM बहाली की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। भाजपा ने शुरू कर दी लोकसभा चुनाव की तैयारी। भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान भाजपा के साथ राष्ट्रीय मोर्चा के 750 पदाधिकारी 28 से 31 जुलाई तक 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान ये 2 दिन गांव-गांव में जाएंगे और सरकार और संगठन के कामकाज की पड़ताल करेंगे। यहां भाजपा ने मोर्चा के पदाधिकारियों को 11 मुख्य बिंदुओं पर काम करने का टास्क सौंपा है। इसमें किसान, महिला, युवा, SC ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हैं, जिन्हें 2 दिनों के लिए गांव में प्रवास करना है। सभी 243 सीटों को पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों में बांटा है। इसी उद्देश्य से एक मोर्चा को 30 से 35 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी मोर्चा के देश भर के प्रमुख नेता राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर 28 और 29 जुलाई को प्रवास कर विभिन्न स्तर की बैठक और संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए नारे, बिहार का सीएम कैसा हो, RCP सिंह जैसा हो। जदयू से अलग थलग चल रहे RCP सिंह बीते दिन जहानाबाद पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने खास अंदाज में RCP सिंह का स्वागत किया। समर्थकों ने जोर जोर से नारे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बिहार का सीएम कैसा हो, RCP सिंह जैसा हो के जमकर नारे लगाए। दरअसल RCP सिंह जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष चंदेश्वर विंद की मौत के बाद शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। RCP सिंह के जहानाबाद पहुंचते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई। RCP सिंह ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये बात कही है। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं बिहार। देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष 30 और 31 जुलाई को आयोजित होने वाली पार्टी के 7 मोर्चों की कार्य समिति की संयुक्त बैठक में शामिल होने पटना आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह 31 जुलाई को पटना आएंगे और राष्ट्रीय मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले खबर यह भी थी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस दौरान बिहार दौरे पर आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी इस दौरान बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाजपा की यह 2 दिवसीय बैठक अब तक की ऐतिहासिक बैठक होगी, क्योंकि इस बैठक में BJP के 7 मोर्चा, युवा, महिला, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST और अल्पसंख्यक कार्य समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। अग्निपथ एग्जाम पर फूटा पप्पू यादव का गुस्सा। अब अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला, जिसके बाद ही जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को गुलाम बनाने जा रही है। साथ ही पप्पू यादव ने अग्निवीर का मतलब भी समझाया। वहीं जॉब सुप्रीमो ने अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में जाति के कॉलम को लेकर भी सवाल उठाया। इसके साथ ही जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर एक ऐसे शासक का बेटा था जिसने बुद्ध राजा की हत्या की। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के भीतर जो क्रांति है, जज्बात है। हमने मनाया 7वां स्थापना दिवस।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बीते दिन अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के फोटो पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान जीतन राम मांझी ने मंच पर बैठे सभी कार्यकर्ताओं को बारी बारी से सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में लोगों के लिए मनोरंजन का भी साधन था। प्रदेश अध्यक्ष ने जदयू प्रदेश युवा की टीम को किया निरस्त। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नई टीम के गठन में सामाजिक समीकरण का ख्याल नहीं रखे जाने की बात कहते हुए उसे निरस्त कर दिया है। उमेश कुशवाहा ने युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि दल की नीति के अनुरूप सामाजिक एवं क्षेत्रीय संतुलन के अनुसार 10 दिनों में नई सूची प्रदेश कार्यालय को समर्पित करें। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नई सूची की समीक्षा में पाया गया कि महिलाओं, अति पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग को इस सूची में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसी वजह से यह जरूरी हो गया है कि नई टीम का गठन किया जाए। जिलाध्यक्षों समेत प्रदेश पदाधिकारियों की नई लिस्ट 10 दिनों के अंदर जारी की जाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, पहली बार नौका दौड़ का आयोजन 1813 में हुआ। ज्ञानी ज्वेल सिंह ने 25 जुलाई 1977 में भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। एस डी शर्मा 25 जुलाई 1992 में भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। के आर नारायणन 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति बने। प्रतिभा पाटिल ने 2007 में भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। गुजरात में 2017 को बाज आने से 70 से ज्यादा लोग मरे। हिंदी चलचित्र अभिनेत्री और गायिका राकेश्वरी का जन्म 1905 में हुआ। भारतीय संगीतकार सुधीर फड़के का जन्म 1919 में हुआ। सार्वजनिक कार्यकर्ता गणेश वासुदेव जोशी का निधन 25 जुलाई 1880 को हुआ था। लिटिल मास्टर को इंग्लैंड में मिला खास सम्मान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की गिनती दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाजों में होती है। वो टेस्ट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अब 73 साल की उम्र में गावस्कर के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। उन्हें इंग्लैंड में खास सम्मान मिला है। पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर को इंग्लैंड में खास सम्मान से नवाजा गया है। इंग्लैंड के लिस्टर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर इसे गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया। खुद गावस्कर ने इसके गवाह बने हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर कर फैंस के साथ इसकी जानकारी शेयर की है। OS अपडेट करने के स्मार्टफोन में है ये 5 बड़े फायदे। अक्सर आपको अपने स्मार्टफोन में OS अपडेट का मैसेज आता होगा। कुछ लोग तो इस अपडेट को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और तुरंत अपडेट को अंजाम देते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग अपडेट की अनदेखी कर अपने फ़ोन के उपयोग में मस्त रहते हैं। हालांकि अधिकांश मोबाइल यूज़र इसलिए अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा की खपत होती है। लेकिन आप यह नहीं जानते कि फ़ोन में अपडेट की अनदेखी कर आप अपने लिए खतरा मोल लेते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने फ़ोन के परफॉर्मेंस को भी डाउनग्रेड करते हैं। आपको बता दें कि OS अपडेट के 5 फायदे हैं। वो हैं सिक्योरिटी को अपडेट करना, फीचर इन्हांस करना, फ़ोन की ऑपरेटिंग तेज करना, फ़ोन की कमियों को दूर करना, सिस्टम का आसान उपयोग। रणवीर की शमशेरा ने लोगों को किया निराश। सिनेमाघरों में हर हफ्ते कई फिल्में रिलीज होती हैं जिनमें से कुछ सफल रहती हैं तो वहीं बहुत सी फिल्में फ्लॉप भी श्रेणी में आती हैं। पिछले कई हफ्तों से बॉक्स ऑफिस पर हर जॉनर की अलग अलग फिल्में रिलीज हो रही हैं। उनमें से बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप कैटेगरी में चली जा रही हैं। वहीं साउथ की फिल्में टिकट खिड़की पर ताबड़तोड़ कमाई में लगी हुई हैं। इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा रिलीज हुई। शमशेरा के लिए पिछले काफ़ी समय से रणबीर प्रमोशन में भी जुटे हुए थे। फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफ़ी पसंद आया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि फिल्म हिट हो सकती है, लेकिन पहले दिन का कलेक्शन जब सामने आया तो मेकर्स के हाथ सिर्फ निराशा लगी। बिहार में मिले कोविड-19 के 300 से कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 289 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 2305 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 20, अरवल में 1, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 10, भोजपुर में 1, दरभंगा में 1, गया में 15, जमुई में 2, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, कटिहार में 1, खगड़िया में 8,
8, किशनगंज में 8, मुंगेर में 4, मुजफ्फरपुर में 9, नालंदा में 3, नवादा में 4, पटना में 102, रोहतास में 12, सहरसा में 37, समस्तीपुर में 1, सारण में 2, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 2, सुपौल में 21 और पश्चिम चंपारण में 9 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,06,764 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 305 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, अमर आजाद, उमेश ऋषिदेव, गौतम कुमार, रजनीश पटेल, भान प्रकाश मौर्य, रंजीत मिश्रा, अतीक खान, पंकज कुमार, बबीता कुशवाहा और शंभू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में आपका सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।